नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूटीआई पे डिस्कशन करेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या मूत्र मार्ग का जो संक्रमण होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल ज़्यादा प्रोन रहती हैं उसके लिए, क्योंकि फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेयर ऑफ मेल पेशेंट्स। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा मेडिसिन है और एक कॉम्बिनेशन भी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि एक्चुअल में होम्योपैथी का सिलेक्शन हमें यूटीआई में कैसे करना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में यूटीआई है क्या। यूटीआई एक इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक में, किसी बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी में, जो प्रोग्रेसिव वे में जब बढ़ता है तो फिर यूरिन में बर्निंग, जलन, पेन जैसे जो सिम्टम है वो हमें आने लगते हैं। एक्चुअली जब हम अपने यूरिनरी ट्रैक को देखते हैं तो उसमें, या पूरे यूरिनरी सिस्टम को हम अगर देखें, तो पहले दो किडनी हमारे पास होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में। किडनी से दो छोटे ट्यूब निकलते हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, जिस किडनी में जो यूरिन एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, उसको नीचे ब्लैडर तक लेके आते हैं पाइप, दो पाइप जिनको यूरेटर बोलते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है एक पाउच जिसमें यूरिन स्टोर होता है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी परफॉर्म होते हुए यूरिन को पास किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, फिर एक और पाइप निकलता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जिससे यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी किया जाता है, खाली किया जाता है, यूरिन को हम पास करते हैं। इस पूरे पाथवे में अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाए, कोई संक्रमण हो जाए, उसी को हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और कई बार ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत कष्टप्रद ये सिचुएशन बना देता है हमारी। जब हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो इसके लक्षण में पेशाब करने की इच्छा होती है कई बार, बार बार, अभी यूरिन पास किया फिर दोबारा इच्छा हो गई, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा इच्छा होगी। कई बार ड्रिबलिंग भी हो सकती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होगा, थोड़ी सी इच्छा होगी या ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रही है, और यूरिन बहुत थोड़ा सा पास होता है, कुछ ड्रॉप यूरिन की पास होती है और उसमें भी बर्निंग जो है वो देखने को मिलती है। इनिशियली यूरिन जो है वो थोड़ा धुंधला भी आ सकता है, थोड़ा सा इस टाइप का, जैसे व्हाइटिश कलर का इस टाइप से, या झाग ज़्यादा वो देखने को मिल सकते हैं यूरिन में। फीमेल में पेल्विक एरिया में जो नीचे पेट का एरिया होता है वहाँ पे पेन लगातार, कॉन्स्टेंट पेन बना रह सकता है, ये फीमेल का स्पेसिफिक सिम्टम है, सिस्टाइटिस की कंडीशन जिसको बोलते हैं। कई बार यूरिन में ब्लड भी आता है, हेमेचूरिया जिसको हम बोलते हैं, तो ब्लड की सिचुएशन भी आ सकती है या पस भी पास हो सकता है यूरिन से। यूरिन का एग्जामिनेशन कराएंगे तो उसमें आरबीसी या पस सेल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये मेन सिम्टम है यूटीआई के, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें या हमारे पेशेंट को यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, इसमें क्या कारण इसके हो सकते हैं यूटीआई के। सबसे बड़ा जो कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। हालांकि यूरिनरी ट्रैक को डिज़ाइन भी उसी तरीके से किया है प्रकृति ने, और उसका पूरा स्ट्रक्चर भी वैसा ही है कि बैक्टीरिया को दूर रखा जाए, और एक ऑटो इम्यूनिटी का सिस्टम भी बॉडी में चलता है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फैगोसाइट्स हमारे बॉडी में रहते हैं, लगातार बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन कई बार बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होने से, या और दूसरे फैक्टर हो सकते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है, और फीमेल बहुत प्रोन होती है
फीमेल का यूरिनरी ट्रैक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन एक ही पाइप से होता है, फीमेल में रिप्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन या वेजाइनल ट्रैक अलग है और यूरिनरी ट्रैक अलग है, तो फीमेल ज्यादा प्रोन होती है। ये मेन बड़े बड़े कारण है यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, बैक्टीरिया इसमें सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी। कई बार कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदे पानी से सफाई कर लेने से भी फीमेल में ये जो यूटीआई है, फंगल इन्फेक्शन भी कई बार इसका कारण बनता है। ये कुछ मेन मेन जो रीजन है वो है, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए मेल फीमेल दोनों को ही, खासकर फीमेल को, यूटीआई से बचाव किया जा सकता है। पानी अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, कम पानी पीने से किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, और जो जो एक ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो एक्सपेल करने का सिस्टम या ऑटो रिपेल करने का जो सिस्टम यूरिनरी ट्रैक का है बैक्टीरिया को, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि यूरिन उतना पास नहीं होगा क्योंकि पानी कम कंज्यूम किया जा रहा है। अब जहां तक हम मेडिसिन की बात करते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। एक स्पेसिफिक फीमेल के लिए मेडिसिन मैं बता रहा हूं। सबसे पहले फीमेल में जब भी यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो सीपिया 200 पोटेंसी की दो बूंदे जीभ पे जरूर देनी चाहिए, और सीपिया को रात को देना चाहिए। सीपिया अगर आप दिन में देंगे तो फीमेल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि इसका इफेक्ट रात को ही ज्यादा होता है, और दिन में सीपिया देने से थोड़ा रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, ये सब चीजें देखने को मिलती है, इसलिए सीपिया की डोज रात को ही दी जाती है फीमेल के लिए। बाकी आगे हमारी इंपॉर्टेंट पांच मेडिसिन की तरफ हम बढ़ते हैं। टॉप 5 मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें किसको कंबाइन कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने बताया था कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैंथरिस। कैंथरिस वन ऑफ द बेस्ट या सबसे ओफनली सबसे ज्यादा सिलेक्ट होने वाली यूटीआई की मेडिसिन है। इसमें बहुत एक्सट्रीम बर्निंग देखने को मिलती है, पेशाब में जलन होती है, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर यूरिनेशन, तीनों समय, यूरिन पास करने से पहले भी, यूरिन पास करते हुए, यूरिन पास करने के बाद भी। ये फर्स्ट चॉइस है, ये सभी पेशेंट को आपको कैंथरिस 30 पोटेंसी देना ही चाहिए, दो दो बूंदे सीधे जीभ पे दिन में 3 बार। किसी बच्चे को भी हो सकता है तो उसको 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं आप। दूसरी जो मेडिसिन है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका में भी सीवियर बर्निंग होती है, लेकिन यूरिन को पास करने के टाइम, पहले और बाद में नहीं, यूरिन को पास करने के टाइम सीवियर बर्निंग देखने को मिलती है। स्टिंगिंग टाइप का पेन, जैसे चुभ रहा हो, जैसे कांटा चुभ रहा हो, इस टाइप का जो सेंसेशन, इस टाइप का जो पेन है वो देखने को मिलता है। और जब यूरिन पास कर रहे हैं उसके दौरान जलन है, दर्द है, और जैसे ही लास्ट ड्रॉप गिरेगी यूरिन की, उस टाइम लगेगा कि जैसे कुछ चुभा है, पिन सी चुभी है लास्ट ड्रॉप के टाइम। अब ये दोनों मेडिसिन है, एपिस मेलिफिका के अगर सिम्टम एग्जैक्ट मिलते हैं तो दो दो बूंदे जीभ पे सीधा दिन में 3 बार हमें लेनी है। अब ये जो कैंथरिस और एपिस मेलिफिका है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के आप रख सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी मेडिसिन है और कॉम्बिनेशन में अच्छा काम करती है। इस कॉम्बिनेशन की 4-4 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेने से मैक्सिमम यूटीआई के जो केस हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब तीन और स्पेसिफिक मेडिसिन है। एक है नाइट्रिक एसिड। अगर यूरिन से बहुत गंदी बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है, बर्निंग है, पेन है, इन्फेक्शन है, और यूरिन से बहुत ज्यादा बदबू देखने को मिल रही है, कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी की दो दो बूंदे सुबह, दोपहर, शाम जीभ पे लेनी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन एपिस मेलिफिका कैंथरिस का, और अगर ये सिम्टम है तो नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एक्वेजिटम 30 पोटेंसी। जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, पेन है, खासकर क्लोज एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन क्लोजिंग, जब यूरिनेशन क्लोज होता है, यूरिन पास कर रहे हैं और जब बंद करते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा पेन है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये सिम्टम भी ध्यान रखना है, बार बार यूरिनेशन है और पेन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, यूरिन ड्रिबलिंग में ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है और थोड़ा पास होता है,
ऐसे में एक्वेजिटम 30 पोटेंसी की दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जीप पे लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको यूटीआई में रिजल्ट देखने को मिलते हैं, परफेक्ट रिजल्ट है इसके। इस केस में ड्रिबलिंग में ड्रॉप बाय ड्रॉप और बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी डलकामारा, लास्ट मेडिसिन है आज की और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है डलकामारा। अगर म्यूकस जैसा कुछ पास होता है, कुछ चमकीला सेडिमेंटेशन निकलता है यूरिन से, थोड़ा जैसे चमकीला होता है ना, ब्राइट सेडिमेंटेशन रेत जैसा निकलता है, और म्यूकस जैसा भी कुछ गाढ़ा गाढ़ा भी यूरिन से पास होता है, थिक यूरिन पास हो रहा है, गाढ़ा यूरिन है, चिपक जाता है सीट पे, सूखने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत गाढ़ा यूरिन रहा होगा, पेन है, बर्निंग, दोनों चीजें रहती हैं यूटीआई में, ऐसे सिचुएशन में डलकामारा आपको लेना चाहिए। डलकामारा 30 पोटेंसी की दो बूंदे सुबह दोपहर शाम जीप पे लेना है। ये हमारी मेडिसिन है, एक बार रिकैप कर देता हूं। अगर फीमेल के हो तो सीपीआई जरूर देना है, 200 पोटेंसी की दो बूंदे रात को। दूसरा कैंथरिस और एपिस मेलिफिका का कॉम्बिनेशन दो बूंदे सुबह दोपहर शाम जीप पे, चार चार बूंदे सुबह दोपहर शाम जीप पे, ये सभी को देना है। बाकी स्पेसिफिक सिम्टम के साथ आपको नाइट्रिक एसिड, एक्वेजिटम और डलकामारा में से कोई एक मेडिसिन लेनी है जो सिम्टम मैच कर रही है। इस तरीके से आप करेंगे तो यूटीआई बहुत जल्दी ही आपका ठीक हो जाए। ये था आज का वीडियो हमारा यूटीआई को लेके, यूटीआई क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसके कारण क्या है, और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके थ्रू आप यूटीआई को ठीक कर सकते हैं। और ये 100% रिजल्ट वाली मेडिसिन हैं। मैक्सिमम मैं बोलूंगा ऐसा 10 में से एक केस भी नहीं जाएगा जो आपको इन मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।